हेलो फ्रेंड्स, हेलमा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं पास्ता बना रही हूँ। तो ये मैंने पहले टमाटर बॉईल करने के लिए रखा है और इधर पास्ता बॉईल हो रहा है। अभी टाइम लगेगा, तो चलिए जब बॉईल हो जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ आपको। टमाटर इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि पास्ता में टमाटर का छिलका नहीं डालते हैं, इसलिए नहीं तो पास्ता अच्छा नहीं बनता है। अगर आप छिलका हटा के ऐसे बॉईल करके डालेंगे तो पास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हो मेरा टमाटर हो गया है। जब टमाटर हो जाता है ना, तो इसका छिलका ऑटोमेटिक आप देख सकते हो अलग हो रहा है, छिलका हट रहा है। हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। और इस तरफ आप देख सकते हो मेरा पास्ता भी बॉईल हो चुका है। चलिए मैं आपको छान के फिर दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो टमाटर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। इसका छिलका कितना आराम से निकल रहा है, ये देखिए। इसी तरह आपने हटाना है इसका छिलका, टमाटर का छिलका को। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। आप देख सकते हो मेरा पास्ता भी बॉईल हो चुका है, टमाटर भी पीस चुका है, लहसुन भी मैंने कूट दिया है। और मैंने एक बड़ा लहसुन लिया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पास्ता है। और आप चाहें तो लहसुन में ही आप हरी मिर्च डाल सकते हो अगर आप मिर्च खाते हो तो, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हम तेल डालेंगे इसमें। आप कोई भी रिफाइंड तेल डाल सकते हो। ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने लहसुन कूट के रखा था वो डाल दूंगी। और बिल्कुल धीमी आंच में हम इसे पकाएंगे लहसुन को, नहीं तो ये लहसुन जल जाएगा। आप देख सकते हो हमारा लहसुन जो है ये थोड़ी थोड़ी लाल हो चुकी है। हमको इतना ही लाल करना है। हम आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, देवी मिर्च का है ये कलर वाला। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे इसमें। अब हम गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। पास्ता में भी हमने नमक डाला है इसलिए हम इसमें थोड़ा कम मसाला डालेंगे नमक। अब हम इसे ढक के पकाएंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़े। और जो पास्ता है उसमें मैंने ठंडा पानी थोड़ा डाला है और उसमें मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि आजकल सब लोग तेल खाना नहीं खाना है ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैंने तेल नहीं डाला है उसमें। तब हम इसको आंच धीमी कर देंगे और ढक के पकाएंगे इसको, टमाटर को। अब हम इसको हिला देंगे। ये थोड़ा समय और लगेगा इसको पकने में। अभी चलिए देख लेते हैं हमारे मसाले को। करीब करीब ये हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको भून लेंगे थोड़ी अच्छी से। आप देख सकते हो टमाटर बहुत बढ़िया से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा है वो। अब देख सकते हो मैंने पास्ता डाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिक्स हर्ब है, इसमें ओरिगानो और बाकी सब कुछ है, चिली फ्लेक्स भी है थोड़ा सा और सब कुछ है। अब हम इसे मिला लेंगे। जब हम पास्ता डालते हैं उसके बाद गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। मैंने इसको बढ़िया से मिला लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस।
रेड सॉस, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कम डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो। बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे और हमारा पास्ता रेडी है। देख सकते हो आप कितना बढ़िया कलर लग रहा है पास्ता का। अब हम ढक के इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। एक से दो मिनट हो चुका है, अब हमारा पास्ता तैयार है। अब देख सकते हो, अब हम गैस कुकर देंगे ऑफ। आप देख सकते हो हमारा पास्ता पूरा रेडी है, कितना बढ़िया कलर लग रहा है। चलिए तो अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरा पास्ता रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।